नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोनू टेक। दोस्तों आज मैं आपको इस एरिया में, यहाँ पे देखिए ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं आपको वाश बेसिन इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। कॉमन वाश बेसिन है हिंदवेयर का, और अभी दोस्तों यहाँ पर मार्किंग मैं कर लिया हूँ इंस्टॉल करने के लिए। बाकी दोस्तों आगे का प्रोसेस क्या है, इसको कैसे इंस्टॉल करना है, अभी आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते रहिए शुरू से लास्ट तक, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। दोस्तों आप लोग वीडियो देखते हैं पर शायद लाइक करना और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए, तभी दोस्तों आपको मिलेगी इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग की जानकारी। तो दोस्तों वाश बेसिन को कैसे इंस्टॉल करना है चलिए दिखाता हूँ मैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हिंदवेयर का ये कॉमन वाश बेसिन है, और अभी देखिए इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे जो टैप लगेगा, देखिए यहाँ पे किसी भी तरह का होल नहीं बनाया गया है। ये जो वीडियो है दोस्तों, जो नए प्लम्बर होते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे होल नहीं है। अगर आपको तरीका नहीं पता होगा होल करने के लिए तो ये पूरा वाश बेसिन टूट जाएगा, और क्लाइंट इसका पैसा भी आपसे चार्ज करेंगे पूरा पूरा। तो इसमें होल को कैसे बनाना है और कैसे फिट करना है अभी मैं सिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पे ये वाश बेसिन में तीन तरफ दिया हुआ है, कि यानी कि यहाँ पे चाहे यहाँ पे होल कर लीजिए या फिर यहाँ पे, यहाँ या फिर सबसे किनारे, दोनों साइड में दिया हुआ है, उसके बाद सेंटर में दिया हुआ है। क्लाइंट की डिमांड से जहाँ पे वो बोलते हैं, जहाँ अच्छा लगता है वहाँ पे करना चाहिए, लेकिन अभी इसको मैं सेंटर में होल बनाऊँगा। उसके बाद दोस्तों अब देखिए वाश बेसिन में जो जो सामान लगेगा सब यहाँ पर है। ये देखिए वेस्ट कपलर है, अभी इसको भी इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। और ये देखिए ये पिलर कॉक है, कोरस कंपनी का है, अच्छा होता है ये। उसके बाद ये देखिए ये कनेक्शन पाइप है 2 फीट का, और फास्टनर जो है दोस्तों अभी इसको मैं फिक्स कर दिया हूँ। ये देखिए ये फास्टनर है, फास्टनर कैसे फिक्स करना है, टाइट कैसे करना है अभी मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दो नट दिखाई दे रहा है, इसको पहले टाइट करना है दोनों को, ठीक है, स्क्रू रिंच से या फिर स्पेनर से किसी भी तरह से टाइट करने के बाद उसको इस तरह से घुमाएंगे तो ये टाइट होता हुआ अंदर चला जाएगा। और दो होल देखिए यहाँ पे दिख रहा है, तो ये दोस्तों एक्स्ट्रा है ताकि जो है वाश बेसिन को सपोर्ट मिले। यहाँ पे मैं ब्रेकेट लगाऊंगा, टाइट इसको कैसे करना है चलिए दिखाता हूँ मैं। ये देखिए ये स्पैनर है, पीछे वाले नट को प्रॉपर टाइट रखना है, उसके बाद ये आगे वाले को पकड़ के घुमाएंगे। अब देखिए अभी अंदर जाएगा ये, ये देखिए जहाँ तक मुझे टाइट करना है उतना अंदर इसको मैं टाइट कर लिया हूँ, और इसको सीधा कर लेना है। ये देखिए अभी नट पे हथौड़ा मारेंगे, अगर नट को खोल के इस पर मारेंगे थ्रेड खराब हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए फास्टनर लग गया है, उसके बाद अब चलिए वाश बेसिन में कपलर लगाना और पिलर कॉक को फिट करना सिखाता हूँ। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे वाश बेसिन है और इसका होल अभी मैं सेंटर में बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे सेंटर में सबसे पहले क्या करना है, ये देखिए ये ड्रिल बिट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डायमंड लगा होता है होल करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इस यहाँ से इस तरह से स्क्रेच बनाएंगे, उसके बाद चाहे आप थोड़े से धीरे धीरे या फिर ड्रिल मशीन से होल कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो लेकिन सबसे पहले यहाँ पर ये स्क्रेच लगाना ज़रूरी है ताकि जो है स्लिप ना करे ड्रिल मशीन। देखिए अभी ये ऐसे ही होल हो जा रहा है, ड्रिल मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान रखना है ये होल को ज़्यादा फैलाना नहीं है। यहाँ पे देखिए ये पिलर कॉक है, सिर्फ ये वाला सिरा अंदर आसानी से घुस जाना चाहिए। ये देखिए अब ये इसके अंदर पुश हो जा रहा है, थोड़ा सा और मैं फैलाऊँगा इसको। अब देखिए यहाँ पे होल हो गया है प्रॉपर, अब इसको टाइट करने के लिए ये नट को खोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए दो वाशर दिया हुआ है, एक दोस्तों एल्युमिनियम का है और एक रबर वाशर है ब्लैक कलर का, ये नीचे से लगेगा और ये यहाँ से ऊपर से इस तरह से। अब देखिए पीछे से इसको यहाँ पे ये ब्लैक वाशर लगा के इसको टाइट करेंगे प्रॉपर। दोस्तों इसको टाइट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे मेरे पास पाइप पाना है ये, ठीक है, तो इससे इसको मैं टाइट करूँगा।
तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पिलर कॉक को मैं प्रॉपर टाइट कर लिया। ये देखिए यहाँ पे ये पिलर कॉक टाइट हो गया है। अब यहाँ पे वेस्ट कपलर लगाएंगे। ये देखिए ये वेस्ट कपलर है। अब इसमें देखिए यहाँ पे ब्लू कलर का एक वाशर है, ये वाशर लगेगा नीचे से। यहाँ पे आप वाइट सीमेंट या फिर एमसील कुछ भी लगा सकते हैं ताकि जो है यहाँ पे स्पेस ना आए। अब देखिए इसको इस तरह से डालेंगे यहाँ पे। अब ये ब्लू वाला जो वाशर है यहाँ पे देखिए इस तरह से लगाना है। अब ये नट को इस तरह से यहाँ पे टाइट करेंगे। पाइप रिंच से इसको टाइट करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए वेस्ट कपलर को प्रॉपर टाइट कर दिया मैं। यहाँ पे ये पिलर कॉक भी लग गया है। और यहाँ पे देखिए कपलर को फिक्स करने के बाद यहाँ पे किसी भी तरह का स्पेस नहीं बचा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं है, पानी लीकेज नहीं करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम कनेक्शन पाइप को लगाएंगे ताकि जो है यहाँ पे सप्लाई भेज सकें। वो जो कनेक्शन पाइप है दोस्तों वो एंगल कॉक में कनेक्ट होगा, या पिलर कॉक से लेके एंगल कॉक में। यहाँ पे देखिए ये कनेक्शन पाइप है। लगाने से पहले इसका वाशर चेक करेंगे, वाशर नहीं होगा लीकेज करेगा। ये देखिए यहाँ पे वाशर दिया हुआ है और इसको पहले ही लगा लेना है, नहीं तो हैंगिंग करने के बाद अगर लगाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे देखिए टाइट करने वाला दिया हुआ है। अगर नहीं होता है तो स्क्रू रिंच से या फिर वो जो तोता प्लायर होता है उससे टाइट करेंगे। प्रॉपर टाइट करना है, लूज नहीं छोड़ना, नहीं तो लीकेज करेगा। अब दोस्तों ये कनेक्शन पाइप टाइट हो गया, अब इसको हैंगिंग करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये फास्टनर दिखाई दे रहा है, अगर वो अप डाउन है तो इसको लेबल कर लेंगे। और ये देखिए ये वॉश बेसिन है। फास्टनर जो है दोस्तों यहाँ पे इस तरह से घुसेगा, उसके बाद नट से टाइट करेंगे। ये देखिए इसको मैं यहाँ पे इस तरह से हैंग किया हूँ। अब नीचे से नट लगा के इसको टाइट करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पिंक कलर का ये दो वाशर दिखाई दे रहा है प्लास्टिक का, और यहाँ पे दो नट है। सबसे पहले वाशर लगाएंगे। तो अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ये वॉश बेसिन पूरी तरह से हैंग हो गया है। नीचे से नट भी लगा दिया हूँ मैं और अभी टाइट करना बाकी है। तो सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे ये ब्रेकेट है। अगर आप चाहें तो ब्रेकेट को भी यहाँ पे लगाने के बाद ये वॉश बेसिन को हैंगिंग करें, लेकिन अभी मैं यहाँ पे देखिए ये वॉश बेसिन को हैंग कर दिया। अब नीचे होल बनाया हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे होल दिख रहा है। अब इस तरह होल में डाल के उसके बाद ये वाला दोस्तों यहाँ पे होल होता है वॉश बेसिन में, ये देखिए अंदर जा रहा है। ठीक है, ये देखिए तो अब ये चला जाएगा इसके अंदर इस तरह से। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे वॉश बेसिन पूरी तरह से इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे कनेक्शन पाइप भी मैं कनेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये वेस्ट पाइप भी लगा दिया पानी को ड्रेन करने के लिए। ये कॉमन वॉश बेसिन है, इस तरह से इंस्टॉल हुआ है। पेडेस्टल वॉश बेसिन कैसे इंस्टॉल होता है, बॉटल ट्रैप वाला, कैबिनेट वॉश बेसिन, सबका दोस्तों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ऊपर आई बटन में भी मिलेगा, जहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो अभी दोस्तों ये हिंदवेयर का कॉमन वॉश बेसिन इस तरह से इंस्टॉल हो गया है। अब सप्लाई ऑन करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ से ऑन है, ये देख लीजिए इसका प्रेशर है। ये देखिए इसका प्रेशर दोस्तों काफ़ी अच्छा है। ये देखिए ये जो टैप है कोरस का है, तो काफ़ी अच्छा प्रेशर है। तो दोस्तों ये कॉमन वॉश बेसिन इंस्टॉलेशन का वीडियो पूरा हुआ। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। और दोस्तों आप लोग वीडियो को देखते समय शायद लाइक करना और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, तभी दोस्तों आपको मिलेगी इस तरह की इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग की जानकारी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।